हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम। एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 20 नवंबर 2019 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। पिछले एक हफ्ता से जो हमारा डेली का करंट अफेयर्स वीडियो है कुछ कारणों की वजह से नहीं अपलोड हो पा रहा था, लेकिन अब आपको डेली सुबह 4 बजे हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो आपको मिल जाएगा। जो बीच में छूटे हुए क्वेश्चन हैं उन सभी को हम मंथली करंट अफेयर्स के वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दार्जिलिंग की ग्रीन और वाइट टी का जीआई टैग किस राज्य को मिला है। जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक, एक विशेष प्रकार का उत्पाद जो किसी विशेष स्थान, क्षेत्र या राज्य में पाया जाता है उसको जीआई टैग दिया जाता है। तो दार्जिलिंग की ग्रीन और वाइट टी का जो जीआई टैग है ये मिला है पश्चिम बंगाल राज्य को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। चाय के लिए प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है 15 दिसंबर को और भारत में सबसे ज़्यादा चाय उगाई जाती है असम राज्य में। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय उगाई जाती है चीन देश में नंबर 1 पे, भारत में नंबर 2 पे। पश्चिम बंगाल जिसके राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़, राजधानी है कोलकाता, मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। 2019 का भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2019 इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2019 भी मनाया गया कोलकाता शहर में, जिसका थीम था राइजन इंडिया, रिसर्च इनोवेशन एंड साइंस एम्पावरिंग द नेशन। इसी भारत के अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के दौरान 1598 छात्रों ने मिलकर दुनिया के सबसे बड़े स्पेक्ट्रोस्कोप को असेंबल किया, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में 12वीं शहरी गतिशीलता सम्मेलन व प्रदर्शनी अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो 2019 का आयोजन किस शहर में किया गया है। तो 12वीं शहरी गतिशीलता सम्मेलन व प्रदर्शनी का आयोजन किया गया उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जिसका थीम था एक्सेसिबल एंड लाइवेबल सिटीज। लखनऊ इस साल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा, क्यों? क्योंकि रेलवे के द्वारा पहला हेल्थ एटीएम भी स्थापित किया गया है लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर। भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन जिसका नाम है तेजस एक्सप्रेस, इसको हरी झंडी दिखाई गई है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। छात्रों की संख्या के हिसाब से सिटी माउंटेन्सरी स्कूल लखनऊ का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आया है। रेलवे की मेगा वेंडर मीट 2019 का आयोजन किया गया लखनऊ उत्तर प्रदेश में। पहला राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान लेखक सम्मेलन 2019 का आयोजन भी किया गया लखनऊ उत्तर प्रदेश में। डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन किया जाएगा लखनऊ उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में विश्व शौचालय दिवस 2019 कब मनाया गया है। वर्ल्ड टॉयलेट डे 2019, तो विश्व शौचालय दिवस हर साल मनाया जाता है 19 नवंबर को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, और इस साल के विश्व शौचालय दिवस का थीम था लिविंग नो वन बिहाइंड, जिसका अर्थ है शौचालय और साफ सफाई के क्षेत्र में हमसे कोई पीछे छूट ना जाए। तो आपको याद रखना है विश्व शौचालय दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 19 नवंबर को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, और 19 नवंबर को ही प्रतिवर्ष मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस इंटरनेशनल मेंस डे, और इस साल इसका थीम था मेकिंग अ डिफरेंस फॉर मेन एंड बॉयज। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में राष्ट्रीय महिला निशानेबाजी प्रतियोगिता 2019 में स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो राष्ट्रीय महिला निशानेबाजी प्रतियोगिता 2019 में स्वर्ण पदक जीत लिया है श्रेयसी सिंह ने, रजत पदक जीत लिया है राजेश्वरी ने, और कांस्य पदक जीता प्रगति दुबे ने। 63rd नेशनल शॉटगन शूटिंग चैंपियनशिप 2019 का आयोजन किया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली में। ये आप जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं श्रेयसी सिंह, इन्होंने ही जीत लिया है राष्ट्रीय महिला निशानेबाजी प्रतियोगिता 2019 में गोल्ड मेडल। जो श्रेयसी सिंह हैं ये बिहार राज्य से हैं। हाल ही में अंडर 17 फीफा पुरुष विश्व कप 2019 को किसने जीत लिया है। तो अंडर 17 फीफा पुरुष विश्व कप 2019 को जीत लिया है ब्राज़ील देश ने, और 2019 का जो अंडर 17 फीफा विश्व कप है इसका आयोजन भी किया गया, होस्ट देश भी था ब्राज़ील। इसके 2 साल बाद 2021 में मेंस फीफा
अंडर 17 वर्ल्ड कप खेला जाएगा पेरू देश में। आपको याद रखना है 2020 का जो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप है इसको खेला जाएगा भारत में, जिसका लोगो लॉन्च किया गया है मुंबई शहर में। तो ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है 2020 का महिला फीफा विश्व कप खेला जाएगा भारत देश में, जिसका लोगो लॉन्च किया गया है मुंबई शहर में। ब्राज़ील इस साल न्यूज़ में रहा क्यों? क्योंकि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2019 का सम्मेलन आयोजन भी किया गया ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया में, जिसका थीम था ब्रिक्स इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इनोवेटिव फ्यूचर, और इसमें भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भारत ने गणतंत्र दिवस 2020 की परेड के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है ब्राज़ील देश के राष्ट्रपति जेयर बोलसोनारो को। फार्मूला वन ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स 2019 को जीत लिया है मैक्स वेस्टापन ने। ब्राज़ील जो कि दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का देश है, जिसकी राजधानी है ब्रासिलिया, मुद्रा है रियल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में WHO द्वारा मान्यता प्राप्त टाइफाइड से निपटने वाले टीके की खोज करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो टाइफाइड के लिए एक टीका बनाने वाला दुनिया का पहला देश बना है पाकिस्तान, जिसका नाम रखा है टाइफाइड कॉन्जुगेट वैक्सीन TCV, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए पाकिस्तान। पाकिस्तान जो कि एशिया महाद्वीप का देश है, जिसकी राजधानी है इस्लामाबाद, राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी, मुद्रा है पाकिस्तानी रुपये। पाकिस्तान के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, जिनकी पार्टी का नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी। इमरान खान को जॉर्डन देश के रॉयल इस्लामिक स्ट्रेटजिक स्टडी सेंटर के द्वारा मुस्लिम मैन ऑफ द ईयर 2020 भी डिक्लेयर किया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य विभाग ने BMEWMP कार्यक्रम की शुरुआत किस प्रदेश में की है? BMEWMP, जिसका फुल फॉर्म है बायोमेडिकल इक्विपमेंट वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, जैव चिकित्सीय उपकरण अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम, तो इसकी शुरुआत की गई है जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अनुशासित प्रदेशों में सुशासन प्रथाओं के प्रतिकृति विषय पर क्षेत्रीय सम्मेलन जम्मू में आयोजित किया गया, और लद्दाख के लिए विशेष विंटर ग्रेड डीजल को लॉन्च किया गया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा, जो कि -30 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी नहीं जमता है। जो लद्दाख क्षेत्र है दुनिया का सबसे ठंडा प्रदेश है, यहाँ पे जो तेल है जम जाता है, जिसकी वजह से जो पूरा परिवहन तंत्र है लद्दाख का अस्त व्यस्त हो जाता है। तो इसी को ना रोकने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा एक विशेष विंटर ग्रेड डीजल लॉन्च किया गया है, जो कि -30 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी नहीं जमेगा। जम्मू कश्मीर जो राज्य है इसको 31 अक्टूबर 2019 से दो यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी। जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर और जम्मू लद्दाख की राजधानी बनाई गई है लेह। जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, लद्दाख के पहले उपराज्यपाल बने हैं राधा कृष्ण माथुर। हाल ही में 6वीं ADMM+ बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? ADMM+, जिसका फुल फॉर्म है आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक, इसका आयोजन किया गया थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में, जिसमें भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किए भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आसियान शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन भी किया गया थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में, 2020 में इसका आयोजन किया जाएगा वियतनाम देश में। आसियान, जिसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसका मुख्यालय है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में, इसकी स्थापना की गई थी 1967 में। आसियान में टोटल 10 देश आते हैं, कौन कौन से? थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनेई, कंबोडिया, म्यांमार और लाओस। आसियान देशों का भारत मेंबर देश नहीं है, सिर्फ डायलॉग पार्टनर है। तो आपको याद रखना है आसियान देशों का भारत मेंबर देश नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9।
हाल ही में सांस अभियान की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? सांस, जिसका फुल फॉर्म है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, तो सांस अभियान जो है इसकी शुरुआत की गई है स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, जिसका उद्देश्य है निमोनिया से होने वाली बाल मृत्यु दर को कम करना। इसको लॉन्च किया गया है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि चांदनी चौक दिल्ली से लोकसभा सांसद हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, स्वास्थ्य मंत्रालय। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एडीबी ने विजयनगर चैनल सिंचाई प्रणाली के लिए कितना ऋण दिया है? तो विजयनगर सिंचाई चैनल सिंचाई प्रणाली जो कि कर्नाटक राज्य की एक सिंचाई प्रणाली है, इसके लिए 91 मिलियन डॉलर की का ऋण दिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। और एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के ही द्वारा कुछ दिन पहले चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक कॉरिडोर के लिए 451 मिलियन डॉलर का लोन दिया गया था। एडीबी, जिसका फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका मुख्यालय है फिलीपींस की राजधानी मनीला में। वर्तमान में एडीबी बैंक के चेयरमैन का जो पद है खाली है, रिक्त है, वैकेंट है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी रिपोर्ट्स के अनुसार विश्व प्रतिभा सूचकांक 2019 वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2019 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? तो विश्व प्रतिभा सूचकांक 2019 में नंबर वन देश रहा स्विट्जरलैंड, नंबर दो पे रहा डेनमार्क, नंबर तीन पे रहा स्वीडन, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, स्विट्जरलैंड। और विश्व प्रतिभा सूचकांक 2019 में भारत की रैंक रही 59th, और इस रिपोर्ट को जारी किया गया है IMD बिजनेस स्कूल के द्वारा। और इससे मिलती जुलती एक दूसरी रिपोर्ट है जिसका नाम है ग्लोबल टैलेंट कम्पटेटिवनेस इंडेक्स 2019। तो ग्लोबल टैलेंट कम्पटेटिवनेस इंडेक्स 2019 और वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2019 दोनों अलग अलग हैं। ग्लोबल टैलेंट कम्पटेटिव इंडेक्स 2019 में भारत की रैंक रही थी 80, और इसमें भी नंबर वन देश था स्विट्जरलैंड, नंबर दो पे था सिंगापुर, नंबर तीन पे था अमेरिका, और इस रिपोर्ट को जारी किया गया था इनसीड बिजनेस स्कूल के द्वारा। ये दोनों रिपोर्ट अलग अलग हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में चौथे इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2019 की शुरुआत कहाँ की गई है? चेरी ब्लॉसम जो कि एक विशेष किस्म का फूल होता है, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन शुरू किया गया है मेघालय की राजधानी शिलांग में, और ये आयोजन किया गया है भारत और दक्षिण कोरिया के द्वारा मिलकर, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, मेघालय जो कि उत्तर पूर्वी राज्यों में से एक राज्य, जिसकी राजधानी है शिलांग, गवर्नर हैं तथागत रॉय, मुख्यमंत्री हैं कोनार्ड संगमा। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स के वीडियो के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अगर अभी तक हमारे चैनल एग्ज़ाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। हमारे द्वारा जो तैयार की गई मैगजीन, इसको आप खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से इस मैगजीन को खरीद सकते हैं। इस मैगजीन में आपको जनवरी 2019 से लेके अक्टूबर 2019 के बीच के लगभग 2000 क्वेश्चन मिलेंगे। ये सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप हैं। इस मैगजीन का मीडियम है हिंदी, प्राइस है मात्र 40 रुपया। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।